अप्रैल 2023 का पेपर में क्वेश्चन नंबर 3C देखो, चाहे एक्सपोर्ट वाला सम करते हैं। इससे पहले हमने इंपोर्ट वाला सम किया था, अभी हम लोग एक्सपोर्ट वाला सम करते हैं। मिला क्या आप लोग को? मानस लिमिटेड करके दिया रहेगा, अप्रैल 2023 का पेपर है, क्वेश्चन नंबर 3C। मिला सबको सम? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन अप्रैल 2023 क्वेश्चन नंबर 3C में है, मानस लिमिटेड। मिला सबको सम? देखो क्या लिखा है यहाँ पर, मानस लिमिटेड एक्सपोर्ट गुड्स टू सेफर्ड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कनाडा विथ $10,000। उसने गुड्स कितने का एक्सपोर्ट किया? $10,00,000 का, ऑन 5 जनवरी 2021, व्हेन द एक्सचेंज रेट वाज $68 था। जब इस रेट क्या चल रहा था? 68 चल रहा था। आगे यहाँ पर द अमाउंट ऑफ रिसीव इंस्टॉलमेंट एज फॉलो। पिछले वाले में हम लोग जब इंपोर्ट करते थे हम लोग को पेमेंट करना पड़ता है, और यहाँ पर हम लोग को क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए कि किसको डेबिट किसको क्रेडिट करना रहता है। तो यहाँ पे लिखा है 16/2/2021 $4,00,000 रिसीव हुआ 69 के रेट में, 16 मार्च को $2,00,000 रिसीव हुआ। इसके बाद ट्रांजेक्शन डायरेक्टली नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में जा रहा है, वो है आपका अप्रैल में, 16 अप्रैल को रिसीव हुआ, उसके बाद 16 मई को रिसीव हुआ। लिखा है यहाँ पर मानस लिमिटेड क्लोज इट द बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। बोलता है मानस लिमिटेड बुक्स कब क्लोज करेगा? 31 मार्च को एवरी ईयर, व्हेन द एक्सचेंज रेट वाज 65 पर $65। जब एक्सचेंज रेट कितना चल रहा था? 65 पर $65 चल रहा था। You are required to pass general entry in the books of Manas Limited for the year ended 31st March 2021 or 31st March 2022। मतलब आपको general entry से पूछा है 10 mark का, और बहुत ज्यादा समय पूछेगा general entry plus ledger पूछेगा, FEF account पूछेगा। तो चलो हम लोग export का दो सम solve कर लेंगे, तो समझ जाने का कि foreign currency आपको आ जाएगा, import और export हमारा दोनों complete हो जाएगा। एक सम ये करेंगे इसके बाद अभी, लेकिन एक एडवांस वाला आता है, वो एडवांस वाला भी अलग से करना पड़ेगा। मतलब अभी हम लोग को 3 सम सॉल्व करने इस चैप्टर के लिए। इन द बुक्स ऑफ मानस में हम लोग को गुड्स पास करना, एंट्री पास करना है सेफर्ड इनकॉर्पोरेशन के लिए। इन द बुक्स ऑफ मानस लिमिटेड देखो यहां पे क्या लिखा है, कौन से डेट को उन्होंने एक्सपोर्ट किया गुड्स को, उसने कब एक्सपोर्ट किया गुड्स बच्चा? 5 जैन को है, 5 जैन 2021 में एक्सपोर्ट किया गुड्स, एक्सपोर्ट गुड्स टू क्या नाम दिया है? सेफर्ड इनकॉर्पोरेशन। सेफर्ड इनकॉर्पोरेशन को हम लोगों ने गुड्स एक्सपोर्ट किया, यहां पे देखना अच्छा। अभी सेफर्ड इनकॉर्पोरेशन को हम लोगों ने गुड्स क्या किया है? एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, एक्सपोर्ट का मतलब होता है सेल करना, और सेल ऑलवेज क्रेडिट होता है, सेल हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। इंपोर्ट में परचेस होता है, परचेस हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। अभी हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया, तो एक्सपोर्ट किया तो हम लोग सेफर्ड को, यहाँ पे देखो सेफर्ड को हम लोगों ने गुड्स बेचा, तो सेफर्ड इनकॉर्पोरेशन लिमिटेड डेबिट हो जाएगा, सेफर्ड इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू एक्सपोर्ट सेल्स अकाउंट, क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कितने डॉलर का गुड्स बेचा? $10,00,000 का बेचा,
चेक करो जब बेचा तो उस समय रेट क्या चल रहा था एक डॉलर का, 68 चल रहा था, इंटू 68 कर देने का तो कितना आ जाएगा, 68 लाख आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है डेट, अभी आपको आपका खुद का दिमाग चलना चाहिए ऐसे में कि यदि हम लोग ने एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास पेमेंट रिसीव होगा, ये ज्यादा आएगा, एक और जीरो आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे याद रखना है जब हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपका खुद का यहाँ पर दिमाग लगाना कि इम्पोर्ट वाले में हम लोग को पेमेंट करना पड़ेगा, इम्पोर्ट का मतलब होता है खरीदने, जब खरीदे तो हम लोग को सामान का पैसा पे करना पड़ता है और जब हम लोग बेचते हैं तो हम लोग को पैसा क्या होगा, रिसीव होगा, ठीक है। या तो कहीं ना कहीं वर्ड लिखा रहेगा, रिसीव वर्ड लिखा रहेगा तो ऐसे भी समझ सकते हो। तो देखो इसमें लिखा था द अमाउंट वॉज रिसीव इंस्टॉलमेंट एज फॉलो, हम लोग ने अमाउंट रिसीव किया है तो कौन से डेट को रिसीव किया है, 16 फेब 2021 को पेमेंट रिसीव किया, पेमेंट कर नहीं रहे, रिसीव कर रहे, ठीक है। याद मैं लिख देता हूं रिसीव्ड फ्रॉम, किसके पास से पैसा आएगा, सेफर्ड का आएगा, जिसके जिसको हमने गुड्स बेचा उसके पास से पैसा आएगा, जिसको हमने सोल्ड किया उसके पास से पैसा आएगा ना। एक एंट्री समझ जाने का, वही एंट्री जितनी बार भी पेमेंट रिसीव होगा हर बार वही एंट्री आएगा। एक्सपोर्ट का एक एंट्री याद कर लेना, जैसे इंपोर्ट का एक एंट्री फिक्स है वैसे एक्सपोर्ट का एक एंट्री फिक्स है। दूसरे वाले एंट्री में एक रिसीव का याद कर लेने का, वही सेम एंट्री आएगा। और कैसे एक साइड का, यदि यहाँ पर फर्स्ट वाले एंट्री में ये डेबिट हो गया तो इसके बाद की जितनी भी एंट्री रहेगी पेमेंट रिसीव का समय वो क्या होता है, क्रेडिट होगा। पेमेंट रिसीव हुआ मतलब हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा, कैश आएगा तो कैश बैंक अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो कैश आएगा तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, किसके पास से पेमेंट आएगा, सेफर्ड के पास से आएगा तो सेफर्ड इनकॉर्पोरेशन क्रेडिट हो जाएगा। कितना डॉलर आया, डॉलर देखो कितना दिया है, 4 लाख डॉलर। अभी मैं क्या बता रहा हूं अच्छे से सुनना बच्चा, ये जो पार्टी रहती है इसके नाम के सामने हमेशा वही रेट लिखने का जिस रेट में हम लोग उसको बेचे रहते हैं या जिस रेट में हम लोग उसके पास से खरीदे रहते हैं। तो सेफर्ड के नाम के सामने हमेशा वही रेट आएगा जब तक 31 मार्च आके न चला जाए। तो यहां पर रेट क्या आ जाएगा, 68 आएगा। नहीं बच्चा, कैश बैंक के सामने वो रेट लिखने का जिस रेट में पैसा आ या जा रहा है, और पार्टी के नाम के सामने वो रेट लिखने का जिस रेट में हम लोग खरीदते या बेचते हैं। तो सेफर्ड को हम लोगों ने बेचा था 68 के रेट में, तो इसके नाम के सामने 68 लिखने का। जो पेमेंट रिसीव हो रहा है उसका रेट कैश बैंक का अलग से रेट दिया रहेगा, कुछ दिन क्या रेट चल रहा था, क्या 69 दिया हुआ है। अभी मुझे पैसा मिलना चाहिए था 68 के रेट में, मुझे मिल रहा है पैसा। अभी यहाँ पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने का, इम्पोर्ट वाले में हम लोग पेमेंट करते तो उस समय दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने का, पेमेंट करते समय नुकसान हो रहा है क्या। अभी यहाँ पर मिल रहा है तो यहाँ पर यदि मुझे मिलना चाहिए था 68 और मिला 69 तो प्रॉफिट है, ग्लॉस प्रॉफिट है, प्रॉफिट हुआ तो एफईएफ अकाउंट को क्या करने का, क्रेडिट करने का। 4 लाख डॉलर मिल रहा है और हर एक डॉलर पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपए का, मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 2 करोड़ 72 लैक्स। और यहां पर कितना आ जाएगा, 4 लाख आ जाएगा। नेक्स्ट वापस से कब पेमेंट रिसीव हुआ, 16 मार्च को रिसीव हुआ, अभी रिसीव होगा तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा, कैश आएगा तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट किसको कर देंगे हम लोग, क्रेडिट किसको करेंगे, सामने वाले कंपनी को, सेफर्ड को क्रेडिट कर देंगे ना, क्योंकि एक बार उसको हम लोगों ने डेबिट किया है, जब जब वो पेमेंट करेगा तब तक वो क्रेडिट होगा। एक एंट्री आपको पता चल गया तो उसके 10 पेमेंट की एंट्री दिया रहेगा, 10ों में वो क्रेडिट होगा, ठीक है। तभी सेफर्ड हम लोग को पेमेंट कर रहा है तो सेफर्ड को हम लोग क्या कर देंगे,
क्रेडिट कर देंगे। कितना डॉलर पेमेंट रिसीव हुआ? दो लाख डॉलर आया। ये जो सामने वाली पार्टी रहती है इसके नाम के सामने वही रेट लिखने का जिस रेट में हम लोग ने सामान को बेचा है, 68 आएगा। और कैश जो रिसीव हुआ उसका रेट दिया रहेगा आपको, 70 ग्रेड में रिसीव हुआ। तो देखो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ ना, मुझे मिलना चाहिए था 68 के रेट में, मिल रहा 70, मतलब प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ तो एफईएफ अकाउंट, ऊपर का कितना जाएगा? 1 करोड़, फिर 1 करोड़ 40 लाख है क्या ऊपर वाला? नीचे वाला कितना आएगा? 1 करोड़ 36 लाख। और यहां पर कितना आ जाएगा? 4 लाख। नेक्स्ट डेट देखो क्या दिया हुआ है, 16 अप्रैल। इसका मतलब होता है कि वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में जा रहा है, उससे पहले 31 मार्च आता ना। जैसे ही कोई डेटा 31 मार्च के बाद गया तो आपको दो एंट्री पास करना है, ठीक है? एक एडजस्टमेंट का और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने का। तो एक हम लोग को एफईएफ को एडजस्ट करने का एंट्री पास करेंगे 31 मार्च, एफईएफ एडजस्टेड, ठीक है? अभी ये एडजस्टमेंट वाली एंट्री वो होती है जो, हाँ, एडजस्टमेंट की वो एंट्री होती है जो पेमेंट हम लोग का 31 मार्च के बाद जितने डॉलर का होने वाला है वो चेक करने का। यदि जो पेमेंट हम लोग 31 मार्च के बाद करने वाले हैं उसमें हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है 31 मार्च के दिन का चेक करने का, मतलब कंपेयर करने का, ठीक है? कैसे कंपेयर करने का? 31 मार्च का रेट देखो, 31 मार्च को रेट क्या था? एक डॉलर इक्वल टू कितना चल रहा था? 65। और हमने सामने वाले को बेच के रखा कितने में? यदि वो पैसा मुझे 31 मार्च को मिलता ना तो हम लोग को क्या होता है? लॉस होता है, सिर्फ ऐसा सोचने का, ठीक है? यदि वो मिल नहीं रहा पैसा, वो पैसा बाद में ही मिलेगा, लेकिन उसको एडजस्ट करने का 31 मार्च के बाद का कोई भी ट्रांजेक्शन दिखा तो दो एंट्री पास करना ही, एक एडजस्ट करने का, वो क्या करने का? देखने का कि 31 मार्च के दिन रेट क्या चल रहा था, तो 65 चल रहा था और मैंने सामने वाले को बेचा कौन से रेट में था? यदि वो पैसा मुझे 31 मार्च के दिन मिलता तो मुझे क्या होता है? लॉस होता है। लॉस होता है मतलब एफईएफ अकाउंट क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। लॉस हो रहा है ना तो एफईएफ क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। यहां पर सेफर्ड अकाउंट को क्या कर देने का? क्रेडिट कर देने का। सेफर्ड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अभी यहां पर अमाउंट कैसे आएगा? तो यहां पर वो डॉलर लेने का जो 31 मार्च के बाद जितना डॉलर हम लोग पेमेंट करने वाले हैं, जो पेमेंट कर दिए वो नहीं लेने का, जो 31 मार्च के बाद पेमेंट करने वाले। 31 मार्च के बाद दो ट्रांजेक्शन हमारा, 16 अप्रैल का है और 16 मई का है। $2 लाख, $2 लाख, टोटल कितना हो गया? 4 लाख। तो यहां पर वो 4 लाख डॉलर लेने का और इसको मल्टीप्लाई कैसे करने का देखने का। मेरा रेट क्या था? सोल्ड करने का 16 था और ये रेट कितना हो गया? 65 हो गया। तो कितने का लॉस हो रहा है? पर डॉलर पे 3 का लॉस हो रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा? 31 मार्च के दिन एक और एंट्री पास करने का। ईयर का क्या था इसका? 2021 था ना। एफईएफ को ट्रांसफर करने का, एफईएफ ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम लोग एफईएफ को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे, लेकिन ट्रांसफर करने के लिए एफईएफ के डेबिट और क्रेडिट का टोटल मानना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाले एंट्री में एफईएफ तो है नहीं, सेकंड वाले में कहां पे है? क्रेडिट में है 4 लाख। दूसरे वाले भी एंट्री में कहां पे? क्रेडिट में है। ए भी 4 लाख है और ए भी कितना है? 4 लाख है। तो यहां पर डेबिट में मतलब क्रेडिट में कितना है? 8 लाख है। 4 लाख ए, 4 लाख ए, क्रेडिट में टोटल कितना है? 8 लाख है। डेबिट में कितना है? 12 लाख है। यदि मैं कैंसिल करता हूं
फिर भी हमारे पास डेबिट में कितना बच जाएगा, 4 लाख बच गया। ये 4 लाख कैसे आया, डेबिट वाले में से क्रेडिट वाले को माइनस कर देने का। तो किसमें ये बचा, डेबिट में ज्यादा था तो डेबिट में बचा ना, तो डेबिट चीज को ट्रांसफर करने के लिए से क्रेडिट कर देंगे, मतलब एफईएफ अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और उसके जगह पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे। तो हमारा एंट्री बन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एफईएफ अकाउंट्स, अमाउंट कितना आ जाएगा 4 लाख। इस साल का अकाउंटिंग खत्म हो गया 31 मार्च। अभी नेक्स्ट ईयर के ट्रांजैक्शन पे आएंगे। तो नेक्स्ट ईयर का ट्रांजैक्शन कब हुआ, पहला 16 अप्रैल को हुआ है। अभी 16 अप्रैल को 2021 में जो ट्रांजैक्शन हुआ तो उसके लिए पुराना वाला रेट वो भूल जाने का, ठीक है, जो कौन सा रेट था कौन से रेट में था। अभी से जो रेट याद रखना है, जो रेट में हमने अकाउंट को क्लोज किया था 31 के मार्च वाला जो रेट रहेगा वो रेट पे आगे बढ़ने का। तभी हम लोग कब पेमेंट किया, वापस हम लोग पेमेंट किया 16 अप्रैल को, पेमेंट टू सेफर्ड को हमने पेमेंट किया है, नहीं पेमेंट रिसीव हुआ है, रिसीव्ड फ्रॉम सेफर्ड, अभी रिसीव्ड होगा। तो अभी रिसीव्ड होगा तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। तो कैश आएगा तो हम लोग कैश बैंक अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। मुझे कौन पेमेंट कर रहा है, सेफर्ड, तो सेफर्ड को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। कितना डॉलर रिसीव हो रहा है, 2 लाख डॉलर है। तो यहां पर भी 2 लाख डॉलर लिखेंगे, पहले हम लोग पार्टी के नाम के सामने, पहले मतलब ये जब तक अकाउंटिंग क्लोज नहीं हुआ था इसके पहले हम लोग रेट क्या लेते थे, 68 लेते थे। बट जैसे एक बार अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो गया तो आपको कौन सा रेट लिखना है, जो रेट 31 मार्च के दिन था। तो 31 मार्च के दिन रेट क्या था, 65 था। तो यहां पर हम लोग 65 लिखेंगे और पेमेंट कौन से रेट में रिसीव हो रहा है, 67 में रिसीव हो रहा है। मतलब यहां पर प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ तो एफईएफ अकाउंट को क्रेडिट करने का, एफईएफ अकाउंट को क्या करने का, 2 लाख डॉलर है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 2 का, मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, ऊपर वाला कितना, 13 लाख ही आएगा कि ज्यादा आएगा, 1 करोड़ आएगा। और यहाँ पर 4 लाख आ जाएगा और नीचे वाला कितना आएगा, 1 करोड़, 30 लाख आ गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब का है, कब है, 16 मई को है। वापस से हम लोग रिसीव करेंगे, रिसीव फ्रॉम सेफर्ड, रिसीव करेंगे तभी हमारे पास क्या आएगा, वापस से कैश आएगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सेफर्ड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितना डॉलर रिसीव कर रहे हैं, 2 लाख डॉलर है। अभी ये 2 लाख डॉलर क्या, सेफर्ड के नाम के सामने वो रेट आएगा जो 31 मार्च के दिन क्लोजिंग के टाइम पे था, कितना था, 65। और हम लोग को रिसीव कौन से रेट में हो रहा है, 65 में रिसीव हो रहा है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो कितना अमाउंट आ जाएगा, 1 करोड़ 30 लाख आएगा। अभी एक एंट्री और पास करना है, 31 मार्च को एफईएफ को कहां पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। तो मैं यहां पर एक एंट्री वो लिख देता हूं छोटा सा, 31 मार्च 2022 में एफईएफ को ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। तो देखो कैसे ट्रांसफर करना है, यहां पर इस डेट के बाद से चेक करने का, 31 मार्च के बाद का चेक करने का। तो कितनी बार एफईएफ है, एक ही है क्रेडिट में, तो
तो क्रेडिट चीज को ट्रांसफर करने के लिए उससे हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, एफईएफ अकाउंट डेबिट हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट कितना आ जाएगा, 4 लाख और 4 लाख। इसे जल्दी से कॉपी करो, ये सब कंप्लीट हो गया। नहीं ये इसका और कराना पड़ेगा ना, एक ही सब में कैसे समझेगा, बंद करना है किसके है? ये चलो आप लोग यहाँ पे देखना बच्चा, एक दिसंबर 2022 का पेपर देखो, दिसंबर 2022 का पेपर है, में क्वेश्चन नंबर 3 देखना, 20 मार्क का पूछा गया है फॉरेन करेंसी का, 411 है, क्वेश्चन नंबर 3 बोला सिर्फ मिला क्या क्वेश्चन नंबर 3? हाँ मयूरी लिमिटेड दिया है, 20 मार्क का आपको पूछा गया एग्जाम में, तो देखो सब में क्या लिखा है, मयूरी लिमिटेड सॉरी मयूरी लिमिटेड ऑफ रत्नागिरी एक्सपोर्टेड गुड्स टू मिस देवी सॉरी डेविड ब्रदर्स ऑफ यूएसए वर्थ यूएस डॉलर कितना है, $1,00,000 दिया हुआ है। ऑन 1st November 2020 व्हेन द रेट ऑफ एक्सचेंज वाज 68, जब रेट कितना चल रहा था, 68 पर डॉलर का था, डेविड ब्रदर्स को जब उसने एक्सपोर्ट किया उस समय रेट क्या चल रहा था, 68, और कितने का उसने एक्सपोर्ट किया है, $1,00,000 का। द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द बायर वाज एज फॉलो, जो पेमेंट रिसीव हुआ उसका डेट दिया हुआ 15 नवंबर को उसने रिसीव किया, इसके बाद 25 नवंबर को रिसीव किया, 15 जैन को रिसीव किया, 15 मार्च को, 25 मार्च को, और एक ट्रांजेक्शन जो है वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में जा रहा है, 20 अप्रैल को जा रहा है, मतलब 31 मार्च को 2 एंट्री हम लोग को पास करना पड़ेगा एक्स्ट्रा जो रहेगा। नीचे लिखा है मयूरी लिमिटेड क्लोज इट द बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, ऑन 31 मार्च 2021 रेट ऑफ द एक्सचेंज वाज 70 पर यूएस डॉलर, बोलता 31 मार्च को एक्सचेंज रेट कितना था, 70 पर यूएस डॉलर था। यू आर रिक्वायर टू पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मयूरी लिमिटेड for the year ended 31st March 2021, 31st March 2020 and prepare David Brothers amount accounts in the books of Mayuri Limited both the year, मतलब अपने को ledger भी पूछा है और साथ में foreign currency पूछा है, journal entry पूछा है, total कितने mark का पूछा है हम लोग को, 20 mark का पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग journal entry pass करते हैं, ledger तो बन जाएगा, journal entry आपको आ गया तो ledger बनाना difficult नहीं है। ये चलो फर्स्ट डेट क्या दिया है यहाँ पर, इन द बुक्स ऑफ ये देखो ये एक्सपोर्ट का सम दिया हुआ ना, एक्सपोर्ट गुड्स टू किसको दिया है, डेविड ब्रदर्स को। फर्स्ट डेट क्या दिया, डेट बोलो क्या दिया हुआ है, कौन से डेट को एक्सपोर्ट किया उसने गुड्स, 15 1st November 2020 एक्सपोर्ट गुड्स टू डेविड ब्रदर्स, अभी हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया, किसको गुड्स एक्सपोर्ट किया, डेविड ब्रदर्स को एक्सपोर्ट किया, तो सिंपल सी बात, वो मुझे पैसा दिया नहीं रहेगा,
और एक्सपोर्ट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो डेबिट ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट सेल्स हमारा क्या हो जाएगा, एंट्री हो जाएगा। तो जिसको एक्सपोर्ट किया उसे डेबिट कर देंगे, डेबिट ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट सेल्स, कितने का एक्सपोर्ट किया, कितना डॉलर है, 1 लाख डॉलर एक्सपोर्ट किया और उसका रेट क्या था, तो 1 लाख इंटू 68 करो, नेक्स्ट देखो क्या दिया है, अभी एक्सपोर्ट किया तो हम लोग पेमेंट रिसीव करेंगे। ए यहाँ पे देखो, एक्सपोर्ट किया तो पेमेंट रिसीव करेंगे। पेमेंट कब कब रिसीव किया हम लोगों ने, पेमेंट देखो कौन से डेट को रिसीव किया, 15 नवंबर को पेमेंट रिसीव किया, रिसीव्ड पेमेंट। अभी पेमेंट रिसीव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। डेबिट किसको करेंगे, कैश का, कैश आया तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट होता है, कैश गया तो कैश बैंक अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। कैश रिसीव हुआ तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट किसको करेंगे, डेबिट ब्रदर्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जब इससे परचेस किया था इसको डेबिट करके रखा था, अभी हर एक एंट्री में जब जब पेमेंट होगा उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। डेबिट ब्रदर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितना डॉलर रिसीव किया चेक करो, 20,000 डॉलर रिसीव करे हम लोग। मैंने बताया था बच्चा पार्टी के नाम के सामने वही रेट लिखने का जिस रेट में हम लोग खरीदते या बेचते हैं, ऐसा कब तक करने का, जब तक 31 मार्च न आ जाए। तो यहाँ पर रेट आ जाएगा 68, जब पेमेंट रिसीव करे उस समय क्या रेट है, 69। देखो यहाँ पर मुझे पैसा मिलना चाहिए था 68 के रेट में, मिल कौन से रेट में रहा है, तो प्रॉफिट है लॉस, प्रॉफिट है ना, मुझे मिलना चाहिए था 68 के रेट में, क्योंकि सामने वाले मैंने 60 रेट में बेचा था, रिसीव मुझे 69, तो मीन्स प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ तो इस टॉपिक का रूल क्या, कोई भी प्रॉफिट हुआ FAP अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितना मल्टीप्लाई करो, देखो अमाउंट कितना आता है, 1,38,00,000। जब ये पूरा अमाउंट है 68, कितना यहाँ पे 30,60,000 आ जाएगा ना। नेक्स्ट डेट देखो क्या दिया है, 25 नवंबर को हम लोगों ने वापस से पेमेंट रिसीव किया। पेमेंट रिसीव फ्रॉम अभी पेमेंट रिसीव करेंगे तो हमारे पास कैश आएगा, तो कैश बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अभी देखो कितना डॉलर हम लोग रिसीव किया, डेबिट के नाम के सामने कितना रेट आएगा, 68 आएगा, और हम लोग रिसीव कौन से रेट में किया, तो प्रॉफिट हुआ लॉस, प्रॉफिट होगा ना, 68 क्या हम लोग 68.5 में रिसीव किया, टू FAP अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखो अमाउंट कितना था, कौन सा ऊपर वाला, 20,55,000 और यहाँ पर 15,000, 20,40,000,
नेक्स्ट कब, नेक्स्ट पेमेंट कब रिसीव किया उसने? 15 जैन को रिसीव किया 2021। पेमेंट रिसीव करेंगे तो वापस से सेम एंट्री आ जाएगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू डेबिट ब्रदर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितना डॉलर रिसीव किया? 15,000 डॉलर हमने रिसीव किया। इसके नाम के सामने हमेशा वही रेट आएगा जिस रेट में हमने बेचा था, 67 में रिसीव कर रहे हैं। तो हमारे लिए लॉस हुआ, मिलना चाहिए था 68, मिला 67, लॉस हुआ। तो एफएफ अकाउंट क्या हो जाएगा? कितना आ जाएगा? 67 क्या हुआ? 10,05,000। यहाँ पे 10,00,000 और यहाँ पर 10,20,000 यहाँ पे 10,20,000 है। नेक्स्ट क्या दिया? नेक्स्ट डेट क्या है? 15 मार्च। वापस से उन्होंने क्या किया? पेमेंट रिसीव किया। अभी वापस से देखो, पेमेंट रिसीव करेंगे तो वापस एंट्री आएगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू डेविड ब्रदर्स। कितना डॉलर रिसीव किया? 10,000 डॉलर उन्होंने रिसीव किया। 68 के रेट में रिसीव करना था, 69 में रिसीव किया। तो प्रॉफिट हुआ लॉस? प्रॉफिट हुआ ना बच्चा, 68 में मिलना चाहिए था, 69 में मिल रहा, तो प्रॉफिट हुआ। तो एफईएफ अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितना कितना अमाउंट आ जाएगा? कितना ऊपर वाला? 6,80,000। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट डेट क्या है? 25 मार्च को क्या हो? वापस से पेमेंट रिसीव हुआ, कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। डेबिट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितना आएगा? 5,000 डॉलर रिसीव किया। कौन से रेट में रिसीव कर? यहाँ पे देखो, यहाँ पे 68 आ जाएगा, 69 पॉइंट, मतलब प्रॉफिट हुआ। तो एफईएफ अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। थ्री लाख फोर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड। नीचे 340,000 आएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट डेट बोलो। अभी देखो अच्छा, कोई भी ट्रांजेक्शन हमारा अप्रैल में गया तो उससे पहले दो एंट्री पास करने का। एक तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे, ठीक है? वैल्यूएशन करना मतलब एडजस्ट करेंगे 31 मार्च को, एफईएफ को एडजस्ट करने का, या हम लोग इसको वैल्यूएशन बोल देते हैं, वैल्यूएशन का एंट्री पास करेंगे। एक कैसे पास करने का? 31 मार्च का रेट देखो कितना है, रेट क्या चल रहा था? 70 चल रहा था, अभी 70 चल रहा था। अभी आपको यहां पर कंपेयर करना है कि जब मैंने बेचा था उस समय रेट क्या था, 68 था, और 31 मार्च आते आते उसका रेट 70 हो गया। यदि मैं इसी अकाउंटिंग ईयर में अपना ट्रांजेक्शन क्लोज करता है तो मुझे प्रॉफिट होता कि लॉस होता? प्रॉफिट होता ना,
मुझे 68 में बेचा बट रिसीव मुझे कितना होता है 70 होता है, तो प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट होता मतलब एफईएफ क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट किसको करेंगे? डेबिट ब्रदर्स को करेंगे। अभी यहां पर लेकिन अमाउंट कैसे आएगा, जितना डॉलर हम लोग को आगे नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में मिलने वाला रहेगा वो लेने का। कितना डॉलर नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में मिलने वाला है? 20,000 डॉलर है ना नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में मिलने वाला है, तो वही लेने का बच्चा, जो जितना आपको नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में मिलने वाला रहेगा $20। और हर एक पे कितने का हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है, 68 था और उसका रेट 70 हो गया, मतलब 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितना आ जाएगा, ये हो गया ठीक है। अभी हम लोग को क्या करेंगे, 31 मार्च की एक और एंट्री पास करेंगे, एफईएफ ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसको ट्रांसफर करने के लिए पहले एफईएफ का क्या करना पड़ेगा, आपको डेबिट का टोटल मानना पड़ेगा और क्रेडिट का। तो पहले हम लोग डेबिट वाला लेते हैं, तो डेबिट में देखो कहीं दिख रहा है एफईएफ, यहां पे दिख रहा है 15,000, यहां पे 15,000 डेबिट में है, और कहीं पे है क्या, नहीं, तो सिर्फ एक जगह 15,000 डेबिट में है। क्रेडिट वाले का टोटल मारो, क्रेडिट में यहां पर 20,000 है, यहां पर 15,000 है और यहां पर 10,000 है और यहां पे 7,500 है और यहां पर 40,000 है। कितना आ जाएगा, 56,500 आया, 90, चलो यहाँ पे देखो कोई दिक्कत नहीं बच्चा, 92,500 आया। तो ज्यादा कौन सा है, क्रेडिट वाला है, तो इसमें से डेबिट वाले को माइनस कर देने का, फिर भी क्रेडिट में कितना बच जाएगा, कितना आएगा, अभी ये कहां पे बच रहा है, क्रेडिट में बच रहा है, एफसीएफ का बैलेंस किस में बच रहा है, क्रेडिट में। तो जनरल एंट्री में इसको डेबिट में लिखेंगे, कहां पे लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे, मतलब क्रेडिट चीज को ट्रांसफर करते समय उसे हम लोग डेबिट कर देंगे। तो हमारा एंट्री आ जाएगा एफसीएफ अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स 77,000, ये हो गया। अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब का है, 20 अप्रैल को वापस से हम लोग पेमेंट रिसीव करेंगे। ईयर कौन सा है, 21 में आ गए हम लोग ठीक है। अभी पेमेंट रिसीव कर रहे हैं हम लोग, पेमेंट रिसीव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डेविड ब्रदर्स को क्रेडिट कर देंगे। कितना डॉलर रिसीव कर रहे हैं, अभी मेन इंपॉर्टेंट है यहां पर देखना अच्छा, जैसे हम लोग का 31 मार्च आकर गया, 31 मार्च आकर चला गया, ये जो पुराना वाला रेट था उसको भूल जाने का, इग्नोर करने का, नया वाला रेट लेने का, जो रेट 31 मार्च के दिन चल रहा था, 31 मार्च के दिन क्या रेट चल रहा था, 70, तो यहां पर 70 लिखने का। जब पेमेंट रिसीव हुआ उस समय क्या रेट था, कितना, 69.50 आया। तो अभी हम लोग को मिलना चाहिए था 70, मिला 69.5, तो मतलब लॉस हुआ तो एफईएफ अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितना, 20,000 डॉलर है, हर एक डॉलर पे 0.50 से लॉस हुआ। कितना हुआ देखो, मल्टीप्लाई करो, एक मिनट अच्छा, कितना, 30 लाख, 90,000, नेक्स्ट 10,000 है, 1,40,000, 40 लाख आएगा ठीक है। अभी और कोई ट्रांजेक्शन है क्या, नहीं है ना, तो अभी यहाँ पर ये पीछे नया अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ था, इसके बाद कोई ट्रांजेक्शन नहीं है,
तो अभी इसका जो एफईएफ रहेगा 31 मार्च के दिन 2022 में एफईएफ को ट्रांसफर करना पड़ेगा ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कैसे हम लोग ट्रांसफर करेंगे, ये जो एफईएफ एक ही एफईएफ है डेबिट में है, तो डेबिट चीज को ट्रांसफर करने के लिए उसे हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। एफईएफ अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितना अमाउंट है इतना कॉपी करो ना, मुझे इतना रब करके लेजर बनाना सिखाना है। नहीं कर पाओगे तुम लोग, पहले इतना कॉपी करो, ठीक है? सीबी से कॉपी करो जल्दी से। नहीं क्या कर रहे हैं तो पढ़ ले अभी कैसे पढ़ो। सिर्फ इतना कॉपी करो, चाहे इसका मुझे लेजर पहले बना लेने दो। हाँ भेज रहा हूँ। अच्छा ये यहाँ पे देखना, मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है? उसको फोटो वहां पे आप लोग लेके कॉपी कर लेना, मैं यहाँ पर लेजर बना के बता देता हूँ। ये देखो, यहाँ पर हम लोग को डेविड ब्रदर्स अकाउंट्स बनाना, यहाँ पर पूछा था डेविड। देखो इसको बनाने के लिए मैंने आप लोग को क्या बताया था, यहाँ पर सब लोग देखना, देखेंगे जिस एंट्री में डेविड ब्रदर्स दिख रहा है उसमें डेविड ब्रदर्स को छोड़कर जो कुछ भी रहेगा सबका पोस्टिंग हम लोग को करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाले एंट्री में डेविड ब्रदर्स दिख रहा है, डेबिट में दिख रहा है, और सामने वाला आइटम क्रेडिट में है, तो यहाँ पे टू साइड में लिखने का, कोई आइटम डेबिट में रहेगा तो उसको बाई साइड में लिखना है। तो यहाँ पर मैं 2020 लिख देता हूँ, डायरेक्टली बार बार डेट नहीं लिखूंगा, सिर्फ मैं यहाँ पर 1 नवंबर लिखता हूँ, 1 नवंबर यहाँ पर जाके लिखेंगे एक्सपोर्ट सेल्स, और जो एक्सपोर्ट सेल्स का अमाउंट रहेगा वही सेम टू सेम लिखने का 68 लाख। ये आ जाएगा, इसमें भी डेबिट ब्रदर दिख रहा है, इसको सिर्फ छोड़ देने का। इसके बाद ये टू एफईएफ दिख रहा है ना, तो टू में जाके लिखने का, टू एफईएफ मतलब जो टू में रहेगा उसको टू में लिखने का, जो डेबिट में रहेगा उसको बाय में लिखने का। 15 नवंबर डेट है। कितना आया है यहां पर, 20,000 आया। अभी यहां पर ये बाई में आ जाएगा, 15 नवंबर बाई कैश और बैंक 13,80,000। अभी वापस इसमें आएंगे, इसमें डेबिट ब्रदर दिख रहा है इसको छोड़कर, अभी इतना तो फिक्स है कि कैश हमेशा कैश बैंक कहां पे आएगा, वो बाई साइड में ही आएगा, क्योंकि डेबिट जितनी बार भी रहेगा कैश डेबिट में ही रहेगा। इसको यहां पर छोड़ते हैं, देखो टू एफईएफ है, तो पहले जाके 25 नवंबर लिखते हैं, यहां पर टू एफईएफ लिखेंगे, अमाउंट कितना है 15,000 है, कैश बैंक डेबिट में है, तो डेबिट में जाके लिखो 15 नवंबर, क्या 15 नवंबर ही था ना, 25 नवंबर था, 25 नवंबर बाई कैश एंड बैंक, अमाउंट कितना है
2,20,40,000 है यहां पर, इसमें आएंगे वापस से, यहां पर डेबिट ब्रदर्स क्रेडिट में है, इसको छोड़ देने का। ये क्या पे दिख रहा है, दोनों डेबिट में दिख रहा है, तो दोनों बाई साइड में जाके लिखेंगे 15 जैन बाई कैश बैंक अमाउंट आ जाएगा 10,05,000 बाई एफपीएफ 15,000। यहां पर वापस से दिख रहा है डेबिट ब्रदर्स क्रेडिट में है और ये बाई कैश बैंक है, तो 15 मार्च आ जाएगा। कैश बैंक कितना है 6,90,000, 2 FEF2 में है तो 2 FEF आ जाएगा। इसमें देखो यहां पर इसमें के वापस से दिख रहा है डेबिट ब्रदर्स दिख रहा है, तो ये 2 में और ये बाई में, डेबिट में मतलब बाई साइड में जाके लिखेंगे, तो 25 मार्च लिखेंगे बाई कैश बैंक अमाउंट 3,47,500 था और 2 FEF कितना था 7,500। इसमें भी डेबिट है तो इसका भी एंट्री करेंगे, ये 2 में है तो 2 में जाके लिखेंगे 31 मार्च 2 FEF 40,000। इसमें डेबिट नहीं है और ये नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में चला गया, तो पहले इतना का टैली करो, टोटल मारो, देखो कौन से साइड का ज्यादा है। कौन से सेट के ज्यादा, एक बार चेक कर लो, उसको लिख के रखो कहीं। क्रेडिट सेट का ज्यादा है 96,05,000 और डेबिट का कितना आ रहा था 70,00,000, मतलब क्रेडिट साइड का ज्यादा है ना। एक बार चेक करो साइड से डेबिट का टोटल रहेगा ज्यादा, दोनों जन कर लो। तेरा रॉन्ग हो सकता है बच्चा, हाँ क्योंकि 68,00,000 टोटल पेमेंट ही करना था तेरा, 86 मतलब ये डेबिट का ज्यादा है। कितना था डेबिट का 70,00,000 एक मिनट, जो भी आया था उसको इसमें से माइनस करो, बैलेंस आ जाएगा 31 मार्च बाई बैलेंस कैरी डाउन माइनस करके कितना रहा है 15,90,000। अभी इसका जो क्लोजिंग रहेगा 95,000 है, 15,95,000 यहाँ पर लिखने का, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ये आ जाएगा 1 अप्रैल 2021। अभी यहाँ पर देखने का 1 अप्रैल की एंट्री हमारे पास यहाँ पर है, इसमें डेबिट दिख रहा है क्रेडिट में, इसको छोड़ के ये दोनों कहाँ पे है बाई में है, तो मतलब यहां पे जाके लिखेंगे 20 अप्रैल बाई कैश बैंक 30,90,000
और बाई एफएफ 10,000 ये अमाउंट साइड से रॉन्ग आया बच्चा माइनस करके ये साइड का बोल रहे हो ना हाँ ये माइनस ये साइड का है ना ओके 9255 ये टोटल हाँ इसका ये साइड का डेबिट का हाँ कितना है टोटल 6892500 एक मिनट 6892500 तो अभी इसमें से माइनस करो इस साइड का जो टोटल आया था 6892500 माइनस करो फिर ये भी रॉन्ग रहेगा ये कोई माइनस करके बता रहा है कि नहीं सवाल है ये क्वेश्चन इतना बोल बोल कर सकते तो कौन बता सुजल तो इसका फोटो भेज के जा रहा है जीरो जीरो तो आने तो कोई भी नहीं कर ये माइनस करो मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर 14 लाख आना चाहिए फिर दोनों साइड का टोटल चेक कर लो तुम डेबिट साइड का टोटल बराबर है तो क्रेडिट साइड वाले का टोटल मार्क डेबिट साइड वाले में से माइनस करो एक्चुअली में लास्ट में अकाउंट टैली होता है तो जितना बैलेंसिंग आएगा वही अमाउंट ए भी ए मिला के होना चाहिए 14 लाख आना चाहिए कौन सा ये वाला ये कौन सा अमाउंट है ये ना हाँ 20,55,000 अभी देखो टोटल मार्क माइनस करो यहाँ पे 14 लाख आएगा सर से अरे देखिए दोनों का टोटल 14 लाख अभी तो करो तो कैलकुलेटर आ रहा है नहीं आ रहा है 14 लाख यहाँ पर 40 लाख कैरी फॉरवर्ड करेंगे फिर इसका पोस्टिंग किया हम लोगों ने और दोनों साइड के टोटल 40 लाख आ जाएगा चलो कॉपी कर लो इसको बस तुम लोग 4 घंटे में ही परेशान हो गए ये हम लोग मिलते हैं शाम को 2:30 बजे नहीं 3:30 लास्ट 3:30 3:30 नहीं 3:30 3:20 3:20 हाँ फोटो भेज रहा हूँ अच्छा